है, उनको कोई मानसिक इस तरीके का दबाव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हमने साइकेट्रिस्ट की टीम और इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स की टीम है जो अभी उनका जो इनिशियल जो है एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद इवेल्युएशन होगा उनका, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे, जो भी रिक्वायर्ड जो हमारे डॉक्टर्स को लगेगा तो उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किनको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है या डिस्चार्ज किया जाए। अभी के लिए तो सारे 41 श्रमिक आ गए हैं हमारे पास डॉक्टर्स की टीम में। वैसे तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास 4 डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें एनेस्थीसिया और ट्रॉमा सर्जरी के भी डॉक्टर्स की टीम थी, लेकिन अभी बिकॉज किसी को कोई इंजरी वगैरह कोई चोट तो नहीं है तो ट्रॉमा सर्जरी और एनेस्थीसिया का उतना रोल नहीं है। मेन इसमें जो है साइकेट्री और इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स का रोल है। देखिए, इस चीज के बारे में अभी गारंटी से नहीं बताया जा सकता कि कितना टाइम लगेगा। जैसे मैंने बताया, पहले तो इनका इनिशियल जो है एक असेसमेंट किया जाएगा हमारे डॉक्टर्स की टीम द्वारा, जो भी इन्वेस्टिगेशन इनकी करवानी है, चाहे वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो या कुछ रेडियोलॉजिकल हो, उसके बाद ही वो कुछ बता पाएंगे। आज के लिए तो कह सकते हैं कि शायद इनको यहाँ रुकना पड़ सकता है 24 घंटे के लिए। नहीं, इनके लिए कोई स्पेशल वैसे वार्ड नहीं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड मेडिकल स्ट्रक्चर है, तो एग्जिस्टिंग जो वार्ड है उन्हीं में ही अरेंज किया गया है। अभी अभी उसके बारे में नो कमेंट्स, अभी कोई प्लान नहीं है। सर, आप बता रहे हैं कि 41 गंभीर जो भी यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी प्रथम दृष्टया स्वस्थ थे और उनको मानसिक रूप से ज्यादा जांचा जाएगा, जो उनका साइकोलॉजिकल अगर कोई मान लीजिए इस तरह का आघात उनको हुआ हो, क्योंकि 17 दिन में सुरंग के अंदर रहे थे, आपके बताएं कि 17 दिन अगर कोई अंधेरे में या सुरंग में रहे तो उस पर मानसिक आघात क्या हो सकता है और इनको देख करके प्रथम दृष्टया क्या लगता है? हाँ, देखिए, एक तो इनका पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस होगा, उसके बाद ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की भी बात है, अगर हमारी भी लिफ्ट में 5 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो थोड़ा टेंशन और एंग्जाइटी तो हो जाती है। बाकी देखने से तो अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, सभी खुश हैं और सभी हेल्दी लग रहे हैं अभी जितने भी श्रमिक हैं। सर, मेडिकली अगर समझने की कोशिश करें तो मिनिमम क्या चीजें होती हैं जिनके टिक्स होते हैं आपके लिए? देखिए, मेडिकली मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या टिक्स होते हैं अगर एक पेशेंट है उसको, तो उसको मिनिमम ये चीजें सही होनी चाहिए। मतलब वही मोटा मोटा कह सकते हैं कि उसकी जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, उससे पता चलेगा कि वो साइकोलॉजिकली पूरी तरह से ठीक है या नहीं है। वैसे मोस्टली तो वो ठीक ही लग रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, धन्यवाद।